देशवासियों को ये दीपावली बहुत शुभ हो। प्रदेश में प्यार भाईचारा सद्भावना बनी रहे, सब परिवार फले फूले आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और वैसे ये दीपावली के चुनाव के मौके भाई है, तो एक संकल्प लेने की दीपावली भी हमारे लिए है। ये तो साथ गारंटी दे रहे हैं वो संकल्प, और दूसरा जो है जो मिशन 2030 बनाया था हमने, 3,32,00,000 लोगों ने अपने राय दी थी, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर 2030 तक राजस्थान कैसा बने, कहने मतलब राजस्थान नंबर 1 बने, राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में आए, ये संकल्प लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं दीपावली पर। बहुत शुभकामनाएं। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, किस तरह करेगा क्या? नमस्कार। देखिए, जोधपुर से सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे, जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और कहा, सभी पूरे प्रदेशवासियों को, साथ ही देशवासियों को उन्होंने दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। और सिर्फ एक बात कही कि 2030 तक जो मिशन 2030 रखा गया है, देश में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के मकसद से विकास के कार्य बदस्तूर चल रहे हैं और नित नए आयाम स्थापित करने की कोशिश है। विकास किस तरह से राजस्थान का हो, ताकि 2030 तक राजस्थान विकास के मामलों में और अन्य मामलों में, चाहे अर्थव्यवस्था को यहाँ की देखें, तो अग्रणी राज्य देश का बन जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर जब पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए। जोधपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत की बेला चल रही है, पगड़ी और जोधपुर का साफा, ये अंदाज जोधपुरवासियों का दिखाई देता है। जिस तरह से आवभगत जोधपुर की पहचान है, मेहमान नवाजी में जोधपुर का स्थान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, और इसी अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भी किया गया। रंग बिरंगा साफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहनाया गया, उनका स्वागत किया गया। कायलाना स्थित होटल लेक व्यू में कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। एक जोश भरने की कोशिश मुख्यमंत्री गहलोत की रहेगी, क्योंकि संगठन की बात लगातार पार्टियां करती हैं। जानकारी देने के लिए सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आप जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, अब इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ, लेकिन आप तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि संगठन को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, कहा जाता है कि अगर संगठन मजबूत है तो फिर पार्टी मजबूत है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या सीधा यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और वहाँ की किस तरह की तैयारियां? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा शगल रहा है, जब भी दीपावली पर आते कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर के देखें तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे कायलाना गए हैं, कायलाना लेक व्यू के अंदर हमेशा वहीं पर जिस तरीके से वह चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऑरा यही रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, वो खुद भी कहते भाई कार्यकर्ता वो ट्रस्टी हूँ जनता का, तो उस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हुए और बड़े हंसमुख लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शुभकामना ली है, अपनी शुभकामना दी है और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से कायलाने के लिए रवाना हुए हैं, और कुछ लोगों को पता नहीं था तो कुछ ज्ञापन भी लिखकर के आए, कुछ एप्लीकेशन भी लिखकर, और देखिए कि भगवान सिंह परियार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वहाँ उनके निवास से होने के बाद में वो सीधा वहां पहुंचेंगे कायलाना, कायलाना के बाद में उनका लवकुश केंद्र भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके साथ ही जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, उनके निवास पर ही उनका जाने का कार्यक्रम है। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी कि ये कॉन्फिडेंस है कि अपने शहर में त्यौहार पर हमेशा की तरह आते हैं, लोगों से हस्तक्षेप की बधाइयां ली है। और देखिए कि जिस तरह शाम तक का दौरा है उसमें रणनीतिकार भी कहे जाते हैं, एक अच्छे रणनीतिकार की भूमिका जो है वो सामने आएगी, कार्यकर्ताओं को संदेश
निर्देश देंगे कि चुनाव कैसे जीतना है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री के द्वारा इम्पोर्टेंट है। जी राजीव जी, क्योंकि अगर कल के समीकरण को समझे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे लोहावट, फलौदी भी पहुंचे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लोहावट को लेकर एक चर्चा भी रहती है, विधायकों की खान वहां कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से जो 4 अलग अलग व्यक्ति हैं जो विधायक बने हैं, चाहे अलग पार्टी क्यों ना हो, वो लोहावट से निकले हैं। ऐसे में जब 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात होगी, क्या मूल मंत्र देने की कोशिश रहेगी? देखिए लोहावट में सबसे ज्यादा खतरा है तो वहां के विधायक कृष्णाराम विश्नोई को है। स्थानीय स्तर पर काफी परेशानी मशक्कत के बाद में उनके हो चुका है, लंबे समय से वहां की शिकायतें भी सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया। राजनीतिक लिहाज से मुख्यमंत्री ने वहां जाकर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, समझाया भी है। देखिए कि एक विधायक में कई तरह के गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, कि लोगों ने आरोप भी कांग्रेस मुख्यालय में भी शिकायतें भेजी थी, तो उस लिहाज से वो सीट, कोई भी सीट जीतने से बचनी नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उस रणनीति के तहत, चाहे भोपालगढ़ की बात करें, भोपालगढ़ के अलावा अगर वहां, क्योंकि भोपालगढ़ में पिछले आरएलपी जीती है, कांग्रेस का और कुछ है नहीं, और ऐसे में समझा ऐसा भोपालगढ़ है खतरे वाली सीट है, लोहावट है खतरे वाली सीट है, तो उन सीटों पर फोकस करना जरूरी है। और देखिए फलौदी की बात करें तो फलौदी में भी जिस तरीके से प्रकाश चंदानी को उतारने के बाद में कुछ ब्राह्मण नेता कांग्रेस के नेता विरोध में आ गए थे, उनको है, कुछ विश्वास नेता कांग्रेस के वो विरोध आ गए, सभी जगह मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का लेकुना नहीं रहे, और इसीलिए उन्होंने दौरे किए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में काफी कुछ तस्वीर साफ हुई है, लेकिन बात जोधपुर की करें तो जोधपुर के सूरसागर, सदापुरा और शहर, उन क्षेत्र के कार्यकर्ता जो है अभी कार्यालय में एकत्र हो रहे हैं, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री किसी संदेश देने की कोशिश करेंगे। जी राजीव जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लेकिन एक और जानकारी दीजिएगा, रात्रि विश्राम भी क्या जोधपुर में ही रहने वाला है, और अगर कल की बात करें, आने वाले दिनों की बात करें, तो फिर क्या कार्यक्रम जोधपुर के? देखिए जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रात का कार्यक्रम फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री का 6:30 से जाने का कार्यक्रम है। दिन भर अगर कायलाना में रहेंगे, एक दो जगह और सामाजिक सरोकार निभा सकते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी राजीव जी, अगर आपसे समीकरण को समझें जोधपुर को लेकर, क्योंकि आपने भी जिस तरह से जानकारी दी थी, सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज बरकरार है, और वहां की जनता जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झलक पाने को आतुर रहती है, अगर जोधपुर के समीकरणों को समझें, तो किस तरह के समीकरण वहां दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब टिकट मिलने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे थे और कहा था आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन ये चुनौती जोधपुर में कितनी है पार्टी के समक्ष, क्योंकि एक नारा भी काफी चला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर, गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायकों तुम्हारी खैर नहीं। देखिए अर्षिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जोधपुर वाकई खतरे वाली उस रास्ते पर है जहां पर अंदर ही अंदर खतरा है। बात अगर सूरसागर की करें तो जिस तरीके से सबसे पहले जब टिकट उस वक्त दिया गया था तो डॉक्टर अयूब को दिया गया, हार गए थे, उनको आरपीएससी का सदस्य बनाना, उन्हीं के बेटे को टिकट दे देना, तो अंदरूनी तौर पर भारी विरोध है, उस विरोध को ठीक करने की आज कोशिश की जाएगी। शहर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक मनीषा पवार है, उनकी भी खूब शिकायतें सामने आती रही है, उस लिहाज से वो खतरे की सीट है, लेकिन जिस तरीके से अतुल बंसाली सामने है, पिछली बार हारे हुए हैं, तो इस बार क्या गणित होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और बात अगर सदापुरा विधानसभा क्षेत्र की करें तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से आते हैं, खूब विकास के काम कर, ये तो 3 सीट होगी। शेष जो 7 सीटें हैं, ओसिया में जहाँ दिव्या बदेरा के सामने बैराम सियोल ताल ठोक कर खड़े, पिछली बार महेंद्र सिंह बाटी खड़े थे, इस वजह से थोड़ा नुकसान हुआ, इस वक्त काटी की टक्कर सीधा मुकाबला है। अगर बात शेरगढ़ की करें तो फिर से मीना कवर को उतारा गया है, उस क्षेत्र से काफी लोग टिकट मांग रहे थे, तो वहां पे भी कांग्रेस को खतरा बना हुआ है। बाबू सिंह वहां के लोकप्रिय नेता है, हालांकि पिछली बार हार गए थे, इस बार माना जा रहा है कि बाबू सिंह की जो सीट है वो पक्की हो सकती है, कहना जल्दबाजी होगा। अगर बात फलौदी की करें तो वहां जिस तरीके से प्रकाश चंदानी को उतारा गया, वहां ब्राह्मण कांग्रेसी है, कुछ विश्व समाज के लोग हैं वो विरोध करें। अगर लूणी की बात करें तो महेंद्र विश्नोई की स्थिति ठीक है, लेकिन जोगाराम पटेल जो पिछली बार हार गए उनको उतारा गया, और जसवंत सिंह विश्नोई ने कई बार मैसेज किए हैं, तो ऐसे में महेंद्र विश्नोई जो है वो निकल सकते हैं। अगर बात दूसरी अन्य सीटों की करें तो वहां अगर बिलाड़ा की बात करें तो मोहनलाल कटारा जो है वो पहली बार उतारा गया है, लोग उनको भी जानते नहीं अच्छे तरीके से, तो ऐसे में उनको भी कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अर्जुनलाल गर्ग पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके इस मुकाबले में वो खड़े हैं, तो ऐसे में स्थितियां क्या होंगी देखने वाली बात होगी। अगर गीता वरवर की बात करें, उनकी मदर पहले वहां से हार चुकी है, वह लगातार आरएलपी जिस तरीके से जीतती रही है, तो ऐसे में इस बार भी आरएलपी का खतरा रहेगा। या रामनारायण डूडी जो वहां एक बड़े वोटर के लिए कहा जा सकता है, वो बड़े संजीवनी बूटी, वो किसके साथ रहते हैं? बद्रीराम जाखड़ और रामनारायण डूडी की अपनी रिश्तेदारी अलग है, और पहले बद्रीराम जाखड़ वहां से भोपालगढ़ से प्रधान हुआ करते थे, अब वो बाली जा चुके हैं, ऐसे कई तरह की चुनौतियां कांग्रेस
इन मांगों को हल्के में नहीं ले रही, खासतौर पर मुख्यमंत्री एक एक पहलू को एक रणनीति को समझने के साथ में इस वेतनी को पार करना चाहते हैं, जिससे कि कम से खुद के अगले जिले में अच्छी सीटें आ सके, कम से कम अच्छी सात जिसकी बार पिछली बार मिली थी कम से कम सात सीटें पूरी मिल ही सके। जी ठीक है राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और चलिए एक बार दर्शकों को सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर पहुंचने पर क्या कुछ कहा है। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को ये दीपावली बहुत शुभ हो, प्रदेश में प्यार भाईचारा सद्भावना बनी रहे, सब परिवार फले फूले आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और वैसे ये दीपावली के चुनाव के मौके भाई है, तो एक संकल्प लेने की दीपावली भी हमारे लिए है, ये तो सात गारंटी दे रहे हैं वो संकल्प। और दूसरा जो है जो मिशन 2030 बनाया था हमने, 3,32,00,000 लोगों ने अपने राय दी थी, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर 2030 तक राजस्थान कैसा बने, कहने मतलब राजस्थान नंबर 1 बने, राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में आए, ये संकल्प लेके हम आगे बढ़ना चाहिए।